आज हम बासमती धान में जल प्रबंधन पर चर्चा करेंगे। जल हमारे लिए बहुत आवश्यक है। किसान भाई समझते हैं, यदि बासमती धान में हम जल हमें पानी रखेंगे तो हमारा उत्पादन ज़्यादा होगा। वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है, इसलिए पानी का सही तरह से प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि यदि हम लगातार पानी भरते हैं तो हमारे खेत में बीमारियां और कीड़े ज़्यादा आते हैं। अतः बासमती धान में कुछ क्रांतिक अवस्थाएं हैं, उस समय पर पानी भर के रखना चाहिए। जैसे जब आप रोपाई करते हैं तो रोपाई के 8 से 10 दिन तक आप खेत में खड़ा पानी रखें। इसके बाद पानी को सूखने दें। जब एक बार खेत से पानी सूख जाता है तभी दूसरा पानी लगाएं। इसके बाद जब आपके खेत में कल्ले निकल रहे होते हैं उस समय पर आप पानी भर के रख सकते हैं। इसके बाद जब आपका बाली निसरना शुरू होता है उस समय पानी भर के रखें। ऐसा करने से आपके खेत में सारी बालियां जल्दी निकलेंगी, एक साथ निकल आएंगी। और इसके बाद जब आपके दानों में दूध पड़ रहा होता है, जिसे मिल्किंग स्टेज बोलते हैं, उस समय पानी थोड़ा भर के रखते हैं तो आपके दाने अच्छे भरते हैं। इसके अलावा पूरी फसल में आपने केवल पानी लगाना है और उसके बाद जब सूख जाए तब फिर दोबारा से सिंचाई करनी है। हमारे सहयोगी श्री आशीष धारीवाल जी आपको बताएंगे कि आप किस तरह से खेत में जांच कर सकते हैं कि पानी कब लगाना है और कैसे लगाना है, जो कि एक बहुत आसान विधि है। नमस्कार, मेरा नाम आशीष धारीवाल और मैं ये आज SRP पाइप के बारे में आपको बताऊंगा कि ये एक पाइप है जिसको SRP पाइप बोलते हैं। तो धान के खेतों में अक्सर किसान बहुत ज़्यादा पानी लगा देते हैं जिसका कोई भी अतिरिक्त फायदा नहीं मिलता है। तो SRP पाइप के द्वारा हम बहुत सारा पानी बचा सकते हैं, करीबन 35% तक हम जो है ना इससे पानी की बचत कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे रमाड़ा गांव में किसान भाइयों के बीच, तो हमारे किसान भाई हैं जो हमारे सस्टेनेबल राइस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ये काम कर रहे हैं, तो उनके खेतों में आज ये पाइप जो है ना हम इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये पाइप कैसे काम करेगा और कैसे इसका इंस्टॉलेशन होगा वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले पाइप में ये 30 सेंटीमीटर का पाइप है जिसमें 15 सेंटीमीटर ऊपर से एक हिस्सा पूरा ऐसे कैसा रखा है और नीचे जो 15 सेंटीमीटर उसमें छेद किए हुए हैं ताकि पानी इसमें से आ जा सके। ऊपर से हम इस पाइप को पकड़ेंगे, आप पकड़िए इसको, और ये पाइप को ऐसे कि जैसे जो है ना जमीन के नीचे घुसा दीजिए, इसको जमीन के नीचे सीधा घुसा दीजिए। तो जैसे पाइप घुसा दीजिए ताकि ये छेद जो है ना मिट्टी के लेवल पर कवर कर जाए। और थोड़ा घुसाइए और हाँ सीधा कर दीजिए इसको। तो ये अब इसके बीच में से ये जो मिट्टी है इस मिट्टी को निकाल करके एक हाथ से निकलेगी, एक हाथ से हाँ ये मिट्टी निकाल करके आप किनारे में रख दीजिए। ये पूरा इसको तली तक जो है ना मिट्टी को साफ कर देना है ताकि इसमें पानी का जो जगह है ना वो बन जाए और पानी उसमें आ जाए। तो जितना पानी इसमें बचेगा ये पानी खेत के लेवल के हिसाब से होगा। जैसे ही और चारों तरफ जो है ना ये मिट्टी जो है ना आप चारों तरफ इसके लगा दीजिए ताकि पानी हाँ ऐसे जो है ना इसको पूरा फिक्स कर दीजिए ताकि ये हिल ना पाए जो है ना। तो ये बिल्कुल भी नहीं हिल पाएगा जो है जमीन के इशार करते हाँ बिल्कुल एक सार कर दीजिए। जैसे जमीन एक सार थी ऐसी जमीन बना दीजिए जो है। एक बार फिर से इसके साफ कर दीजिए ताकि ये मिट्टी जो है ना अंदर से निकल जाए। तो ये हाँ बिल्कुल ये मिट्टी जो है ना निकल गई तो ये नीचे का जो खाली हिस्सा है इसमें पानी जो है ना वो भरा रहेगा। अब जैसे कई आप देखेंगे जब ये पानी सूख जाएगा तो बाहर की तरफ से पानी सूखा हुआ मिलेगा लेकिन इसके अंदर पानी मौजूद मिलेगा। उससे पता लग जाएगा कि अभी पानी की जरूरत नहीं है। जब ये तली में पानी चला जाए तब हमें पानी लगाना है कि अब हमें पानी की जरूरत है, क्योंकि पानी की जो जड़ें हैं पौधे की जड़ें वो पानी को सोख लेती हैं। तो जब तक जड़ों के टच में पानी रहेगा तो हमें अतिरिक्त पानी देने की जरूरत नहीं है। इससे हम बहुत सारा पानी बचा सकते हैं जो हमारे हमारे सृष्टि के लिए, नेचर के लिए, हमारे ग्लोबली एक पानी की बचत होगी ताकि ये और किसी के काम आ सके। और वैसे भी आज जो पानी का लेवल नीचे जा रहा है तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत एक बहुत बड़ा रोल ये प्ले कर रहा है। इससे हम करीबन 35% तक पानी बचा रहे हैं। धन्यवाद।